अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। साक्षी, माँ, साक्षी, वो जो तेरे फ्रेंड के पापा डॉक्टर हैं, उनका फोन नंबर मिल गया तुझे? माँ, वो नंबर ना मेरे कमरे में ही है, एक काले रंग की डायरी में, पर वो डायरी मैं ढूंढना ही भूल गई, पर जरूर वो डायरी मेरे कमरे में ही होगी, मैं ढूंढूंगी आज। हाँ बेटा, तू ढूंढना, वो पैरालिसिस के इलाज के इतने बड़े डॉक्टर हैं, हो सकता है उनके इलाज से शनाया एकदम ठीक हो जाए। जी माँ। साक्षी, ये कौन सी फ्रेंड है जिसके पापा डॉक्टर हैं? मैं आपको बताती हूँ माँ। शारदा जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपके बेटे को आपसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी साक्षी को लेकर सेल्फिश हो गई थी। कोई बात नहीं पद्मा बहन, आप भी एक माँ हैं, मैं समझ सकती हूँ। आपने जो कुछ भी किया अपनी बेटी के भले के लिए किया। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगी, पिछले दिनों अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। पद्मा बहन, अपने उसे माफी नहीं मांगी जाती, सिर्फ प्यार किया जाता है। शुक्रिया। क्यों साक्षी, क्यों तुमने पद्मा आंटी को ऐसे अहमदाबाद वापस भेज दिया? अरे वो जो कुछ भी कर रही थी हमारी भलाई के लिए तो कर रही थी। अभी कुछ देर पहले उनका फोन आया था, कह रही थी कि तुम दोनों जब चाहो यहां आ सकते हो और मेरा बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मॉम से परमिशन लेने के बाद। अब ये क्या है, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। गुड नाइट। आई एम सॉरी करण, मैं इस वक्त आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ जिस दिन आपको सच पता चल जाएगा ना, आप मुझे जरूर माफ कर देंगे। करण, हम माँ को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते, माँ बहुत भोली है, और वो शनाया उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें और इस घर को बर्बाद करने पर तुली है। शनाया, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, अब ये डायरी वो जाल बनेगी जिसमें तुम फंसो। अरे माँ यहाँ नहीं है। अच्छा, जब वो आए तो कह देना कि मैं ये डायरी लाई थी। एक काम करती हूँ माँ आए तो उसे बता देना कि मेरी फ्रेंड का नाम प्रीति राठौड़ है, उसके पापा का नाम डॉक्टर सुनील राठौड़, दोनों का नंबर साइड बाय साइड इसी डायरी में लिखा हुआ है। ओके, मैं बता दूंगी। ओ गॉड, साक्षी तुम इतनी स्टुपिड कैसे हो सकती हो? कूल, तो ये डायरी खुद चलकर मेरे पास आ गई। अब मैं इस डायरी से तुम्हारे डॉक्टर का नाम हटाकर वहां अपने किसी डॉक्टर का नाम लिख दूंगी, फिर वो होगा जो मैं चाहूंगी। उस डायरी को लेने के लिए तुम्हें अपने बेड से उठना ही पड़ेगा शनाया, और तुम जब उठोगी इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। शनाया, अब तेरी तबीयत कैसी है बेटा? दर्द तो जैसे गायब हो गया शारदा जी, अब मैं बहुत ज्यादा बेटर फील कर रही हूँ। चलो
ये तो बहुत अच्छा है। शारदा जी अब आप जाकर सो जाइए। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बेटा, अगर रात को फिर से तेरी तबीयत खराब होगी तो चल तू सो जा, मैं यहीं पे सोती हूँ। लेकर भी ठीक से खड़ी नहीं हो सकती। आपने मुझसे कहा था ना कि मैं अपनी बीमारी का डट के सामना करूं। मैं तो बस कोशिश कर रही थी, लेकिन देखिए ना, ये बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। ऐसे नहीं कहते बेटा। चल बेटा। नहीं तू ठीक हो जाएगी बेटा। सुनीता शनाया बेटा उठ। जी माँ जी। सुनीता ड्राइवर आ गया। मैं अभी जाके देख के आती हूँ। हाँ और उसे कहना कि गाड़ी तैयार रखे, मुझे आज शनाया को डॉक्टर के पास ले जाना है। और सुन उसके बाद शनाया की तरह मदद करना तैयार होने में, और उसे नाश्ता भी दे दे। जी 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 फिर आती हूँ। शनाया बेटा तू तैयार हो जा, नाश्ता कर ले, मैं भी तैयार होके आती हूँ। आज डॉक्टर साहब के पास जाना है। मैंने ये डॉक्टर का टॉपिक इतनी मुश्किल से खत्म किया था, उसने फिर से शुरू कर दिया। चाहे कुछ भी हो, मुझे शारदा को रोकना ही होगा। शनाया बहुत तेज है, वो अपनी असलियत छुपाने के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ उसे हॉस्पिटल तो लेकर जा रही है, लेकिन वो बचने के लिए किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है। मुझे भी माँ और शनाया के साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए। साक्षी भाभी आपने डायरी मंगवाई थी। थैंक यू। सुनीता तुमने ड्राइवर को कह दिया गाड़ी तैयार है ना? हाँ, आप परेशान मत होइए, वो पार्किंग में ही खड़े हुए हैं। अच्छा ठीक। साक्षी क्या पढ़ रही है? माँ प्रेगनेंसी बुक है ये, जो नई नई माँ बनती है ना वो ये जरूर पढ़ती है। जब मैं माँ बनने वाली थी उस वक्त तो मुझे पढ़ना ही नहीं आता था। हाँ पर इतना पता था कि एक होने वाली माँ के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तीन चीजें? कौन सी तीन चीजें? अच्छा खाना, बहुत सारा आराम और ढेर सारी खुशियाँ। क्योंकि जब माँ खुश होती है तभी तो बच्चा खुश रहता है। एक माँ से ही तो एक बच्चे की दुनिया होती है ना? अच्छा चल मुझे शनाया को अस्पताल ले जाना है। माँ आप हॉस्पिटल जा रही है ना? मेरी भी डॉक्टर उसी हॉस्पिटल में है, मैं भी आपके साथ चलूँ? हाँ हाँ जरूर। अच्छा तू जल्दी से तैयार हो जा। हाँ जी। अरे चल हमें निकलना चाहिए बेटा। ओ गॉड क्या मुसीबत है, मुझे किसी भी तरह से इस प्रॉब्लम से निकलना होगा। ये तेरे डॉक्टर के सारे रिपोर्ट लेके जाने हैं ना साथ में।
क्या हुआ शनाया, इतनी परेशान क्यों लग रही है बेटा? शारदा जी प्लीज, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। हेलो, जी हाँ, शारदा मोदी बोल रही हूँ, कहिए। दिल्ली से इन्वेंटिव मीडिया? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। शारदा जी, किसका फोन था? दिल्ली से फोन था, इन्वेंटिव मीडिया। वो लोग टेक्सटाइल के क्षेत्र में हर साल एक नए और बेहतरीन डिजाइनर को अवार्ड देते हैं। इस साल इन्होंने मुझे चुना है, मेरे वो साड़ीज के डिजाइन के लिए। वाओ, ग्रेट। वाओ माँ, दिस इज ग्रेट न्यूज, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पर बेटा, मैंने मना कर दिया है। लेकिन क्यों? मैं शनाया को इस तरह अकेले छोड़ के बाहर नहीं जा सकती। शारदा जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ बेटा, कहो ना। शारदा जी प्लीज, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, वहां मुझे घुटन सी लगती है, इसलिए तो मैं हॉस्पिटल से यहाँ घर पर शिफ्ट हुई। शारदा जी, आप मुझे उस डॉक्टर का नंबर दे दीजिए, मैं उसे यहाँ घर पर ही बुला लूंगी ना, और घर के बाकी लोग भी तो है। शारदा जी, मुझे मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं साक्षी को कह दूंगी, वो मुझे ला देगी। हाँ माँ, शनाया बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको ये अवार्ड लेना चाहिए। आज मेरी माँ ने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू शारदा माँ। क्या कहा तूने, फिर से तो कहना एक बार। शारदा माँ। बेटा, मुझे मेरा अवार्ड मिल गया, तेरे मुंह से ये सुन के सचमुच मुझे मेरा अवार्ड मिल गया। मैं तुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती, चल तेरा हॉस्पिटल जाना जरूरी है बेटा। ये तो पीछे ही पड़ गई, इस औरत को कैसे समझाऊं कि मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है। शारदा माँ, आप साक्षी का तो सोचिए, और घर के बाकी सब लोग, वो लोग जब ये न्यूज सुनेंगे ना, तो कितने खुश होंगे। शारदा माँ, क्या आप इन सबका दिल तोड़ सकती है? नहीं ना, आप वो अवार्ड ले जाएंगी ना, तो मुझे मुझे बहुत खुशी होगी। और ये अवार्ड सिर्फ आपका थोड़ी है, बल्कि हम सबका है, क्यों साक्षी? हाँ माँ, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। अगर आप सबको सचमुच ऐसा लगता है, तो मैं जाऊंगी अवार्ड लेने। लेकिन अब साक्षी, जब तुम शारदा माँ की टिकट्स बुक करोगी ना, तो साथ में डैड की टिकट्स भी बुक करा लेना। मैं चाहती हूँ कि शारदा माँ की अचीवमेंट में डैड भी शामिल हो। इनफैक्ट मैं खुद भी आना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं आ सकती ना बेटा। शनाया का माँ के लिए इतना प्यार हो ना हो, ये सब सिर्फ हॉस्पिटल ना जाने का बहाना है। हॉस्पिटल जाने से इसकी असलियत जो सामने आ जाएगी। माँ, मैं करण से कह के आपकी टिकट्स करवा देती हूँ। करण, करण आपको पता, माँ को अपने नए डिजाइन के लिए अवार्ड मिल रहा है दिल्ली में। आप प्लीज उनके और पापा की टिकट्स बुक करवा देंगे? सब जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, यहां तक कि एक हाउसवाइफ को भी अवार्ड मिल रहा है, वो भी अपनी एक नई पहचान बना रही है। बस मैं ही कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी अपनी पहचान नहीं बना सकता, क्योंकि मेरी वाइफ वो बनने ही नहीं देगी। तुम चाहती हो कि मैं उनके लिए मैं टिकट बुक करूं, चलो अच्छा है, कम से कम इस लूजर को तुमने इस काबिल तो समझा। करण, यू नो व्हाट, आप लूजर नहीं, लेकिन हाँ, आप बहुत सेल्फिश। आपको जाकर माँ को बधाई देनी चाहिए,
उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो प्यार करती है वो आपसे, आपके चले जाने से उनकी जिंदगी अधूरी हो जाएगी, आप उनके लिए खुश नहीं हो सकते, बस अपनी खुशी की पड़ी बात बात पे अपने ऊपर तरस खाते रहते हो। क्यों, सब आपसे कितना प्यार करते हैं करण, और बदले में क्या चाहते हैं? कि आप भी उनसे थोड़ा सा प्यार करें। शायद बहुत ज्यादा मांग रहे हैं आपसे। लतिका तू, कंग्रेचुलेशंस मामा। थैंक यू लतिका, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अरे तेरे पापा नहीं आए अब तक? वो मेरे डैड से बात हो गई, वो आपको डायरेक्टली एयरपोर्ट पे ही मिलेंगे। 6:10 की फ्लाइट है, आपको एक घंटे पहले वहाँ पहुँचना होगा। 10-15 मिनट में आपको निकलना चाहिए। और क्या बात है करण, कुछ कहना था तुम्हें? यस मॉम, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आपको अवार्ड मिलने जा रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। पर मॉम, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया। मैंने आपसे बहुत बुरी तरह से बात की, मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या हुआ करण, ऐसे क्यों देख रहे हो? कॉन्ग्रेचुलेशन। देखा लतिका, आज एक माँ एक सीईओ से जीत गई। इतने दिनों के बाद मेरे बेटे ने माँ से बात की है, एक सीईओ से नहीं। हाँ मम्मी, पर अब आप चलिए, लेट हो रहा है, चलिए। साक्षी तू अपना ख्याल रखना। माँ आप भी अपना ख्याल रखना, और कोई प्रॉब्लम हो या ना भी हो तो भी मुझे कॉल करना। लतिका आज रात को तू यहीं रुक जा, शनाया और साक्षी का ख्याल रखना। हाँ मम्मी, आप चलिए, लेट हो रही हैं आप।